हाय फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र भाटी, आप लोगों का भाई। जय श्री राम, जय माता जी की। और आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, कीबोर्ड के बारे में है। आप लोगों में से कई सारे बोलते हैं कि हमारे कीबोर्ड की आवाज़ फटती है, क्लियर नहीं आ रही है जुनू जी की। और एक्चुअली ये जो सेटिंग में बताऊँगा ना, ये जुनू जी मेरी सारे ही कीबोर्ड में काम आएगी। आपकी कीबोर्ड की आवाज़ फट रही है या फैल रही है, तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दूंगा। और आप इस वीडियो को 1% भी मिस मत कीजिए, 1 सेकंड भी मिस मत कीजिए, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों कि कीबोर्ड के फटने के आवाज़ का कारण एक तो होता है आपका वॉल्यूम का जो कंट्रोलर होता है, वॉल्यूम कंट्रोलर, उसमें मिस्टेक होना। ठीक है, और दूसरा होता है सेटिंग। तो मैं आपको दोनों चीज़ों के बारे में आज बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये देखिए दोस्तों, ये है वॉल्यूम बटन, वॉल्यूम कंट्रोलर। ये ख़राब होगा ना तो आपको आपका बटन इस तरीके से, ये अभी मेरा एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हिलने लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर ये हिल रहा है तो आपके कीबोर्ड की आवाज़ फटेगी। आप कम लेवल पे इसको बजाओ। और वैसे भी कीबोर्ड या पैड कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हाफ लेवल पे ही, हाफ वॉल्यूम लेवल पे ही बजाना चाहिए। ठीक है, और दूसरी दोस्तों मैं आपको डिस्प्ले में सेटिंग बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ से मेन्यू प्रेस करना है, ये सेटिंग खुल जाएगी। इसके बाद में आपको सिस्टम में जाना है, एंटर मारना है, जनरल पर क्लिक करना है और साउंड्स पर क्लिक करना है। यह आपकी सेटिंग आ गई है दोस्तों। और इसमें देखिए कि ये जो मास्टर टोन है, मास्टर टोन रहेगी 440 पे, स्टैंडर्ड होती है ये। ठीक है, और मास्टर की शिफ्ट स्टार्टिंग में 0 पे रहती है, बाकी कहीं पे भी रख सकते हो आप। और ये जो मास्टर लेवल है ये 127 पे रहेगा, 127 पे रहेगा। और आउटपुट गेन है इसका, ध्यान रखिए दोस्तों, ये रहेगी आपकी 0 dB पे। दोस्तों, कोई भी अगर कीबोर्ड हो, चाहे जुनू जी हो, फैंटम हो, G6 हो, X6 हो, कोई सा भी सीरीज़ का कीबोर्ड होता है फ्रेंड्स, तो उसकी जो सेटिंग है वो इस तरीके की रहती है। यानी कि मास्टर टोन लेवल, आउटपुट गेन, ये सभी चीज़ें सेम ही रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट ऑप्शन में मुझे बताएं। जय माता जी की। और मैं भगवान से ही दुआ करूँगा कि मेरी जो दी हुई जानकारी वो आप लोगों के काम में आए। जय माता जी की।